हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 6 का अगला वीकली टेस्ट विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा दिखिएगा। सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा दिखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर, इनमें से प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा तारे, तीसरा जुगनू, चौथा मोमबत्ती। तो यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत नहीं है बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मोमबत्ती प्राकृतिक स्रोत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, इनमें से कौन सा दीप्त वस्तु है? इनमें से कौन सा दीप्त वस्तु है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मोबाइल फोन के टावर के ऊपर चमकने वाला लाइट और चौथा ऑप्शन है मोमबत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से दीप्त वस्तु आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है, अदीप्त होना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर अदीप्त रहता तो यहाँ पर चंद्रमा सही हो जाता, ठीक है। खैर, दूसरा नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता कहलाता है। पहला ऑप्शन है पारदर्शी, दूसरा ऑप्शन है पारभाषी, तीसरा ऑप्शन है अपारदर्शी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अपारदर्शी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे प्रकाश पार नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला चार नंबर की ओर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, 1000 मीटर, 10000 मीटर या 10^10 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर, छाया की आकृतियाँ हैं, छाया की आकृतियाँ रंगीन होती है, दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है या काली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, काली होती है, छाया की आकृति काली होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला नंबर छः नंबर, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सात नंबर, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक है मीटर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला आठ नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान वस्तु में प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती है। तो खालिस्तान वस्तु में प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती है, तो अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला नौ नंबर, छाया का रंग वस्तुओं के रंगों के अनुसार खालिस्तान होता है। छाया का रंग, कोई भी छाया लीजिए आप, रंगीन कपड़ा का लीजिए, रंगीन आदमी का लीजिए, रंगीन वस्तु का लीजिए, सबका जो छाया होता है वो तो काला ही होता है। तो यहाँ पर रंगों के अनुसार नहीं होता है लिखना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर रंगीन आप वस्तु लीजिएगा तो उसका जो छाया है वो रंगीन बनेगा, ऐसा नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दस नंबर की ओर, दस नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएँ जिसमें से कुछ प्रकाश पारित होता है, ऐसी वस्तुएँ जिसमें से कुछ प्रकाश पारित होता है, कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा होगा थोड़ा सा नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारभाषी, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 11 नंबर, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी वस्तुएं क्या है या पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जिन वस्तुओं के आर पार हम स्पष्टता से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वैसे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश गुजर सकते हैं, जिसके आर पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उसे
पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन किसे कहते हैं, या परावर्तन को परिभाषित करें या परावर्तन की परिभाषा लिखें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परावर्तन किसे कहते हैं, देखिए उत्तर, प्रकाश जिस वस्तु की सतह पर पड़ती है वह वस्तु प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस कर देती है, इसे परावर्तन कहते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सरल रेखीय गति क्या है, सरल रेखीय गति क्या है, तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति को परिभाषित करें या सरल रेखीय गति की परिभाषा लिखें, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक मिनट, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर। देखिए आवर्ती गति किसे कहते हैं, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आवर्ती गति, यहाँ पर आवर्ती गति का उत्तर देखिए, वस्तु का एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति में दोहराव को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति किसे कहते हैं, वस्तु का एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति में दोहराव को आवर्ती गति कहते हैं। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, अमीषा की ऊंचाई 1.65 मीटर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो सिंपली इसको आपको गुना कर देना है 100 से, 1.56 × 100 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।